हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कहते हैं आप लोग, आज क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे नंबर फर्स्ट, ठीक है, विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं। तो हमें क्या हो, चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम बोलते हैं हम। और नेक्स्ट क्या हमारा, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई सिस्टम के मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, क्या बना होता है, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, ऑल ऑफ दोस, सभी से मिलकर क्या है, बना होता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रांसफॉर्मर परिवर्तन करता है किसके द्वारा, एसी टू एसी। नेक्स्ट है हमारा, जनरेटिंग स्टेशन पर विद्युत पावर का उत्पादन अल्टरनेटिव के द्वारा होता है जो समांतर के में जुड़े होते हैं, तो किससे, 11 के वी उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, निर्धारित तकनीकी हानियां वितरण लाइन में 1/4 से लेकर 1/3 कुल तकनीकी हानियों का पता होता है फिक्स्ड टेक्निक लॉसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस के होने का कारण लाइन में प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा चूल उष्मा हानियां हैं, ट्रू सही है। और नेक्स्ट हमारा, पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में कुल संचारण एवं वितरण हानियों का लगभग कितना प्रतिशत ट्रांसफार्म के द्वारा होता है, तो कितना होता है, 40-50%, ठीक है। और नंबर 8 है हमारा, कर्व या आयरन हानियां कितने भागों में बांटी जा सकती हैं, कितने भागों में बांटी जा सकती हैं, सिंपल सा दो ही, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि कितने भागों में बांटी जा सकती हैं, तो दो में। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा का वर्णन करता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन, ये भी आपने पढ़ा है, जो जैसे कि हमने आपको चैप्टर वाइज हर यूनिट में बताया, तो अगर आप अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इजली से आप सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वन लक्स के इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 लूमेन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 12, मीटर यूनिट ऑफ मेजर फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ अ सच, तो इसमें क्या है, इसका बी ठीक रहेगा, लक्स। नेक्स्ट है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ FTL, FTL की फुल फॉर्म, ठीक है, ट्यूब लैम्प, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। और CFL की फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। CFL में ल्यूमेंस फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हमारा, CFL कौन से लैम्प को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, नंबर 3rd पार्ट सही है। फुल फॉर्म ऑफ SVL, सोडियम वेपर लैम्प। फुल फॉर्म ऑफ LPSVL, LPSVL की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हम लोग देख लेंगे। LPSVL की फुल फॉर्म, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है। और नंबर 19 देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, पिच लैम्प हैज द पोरेस्ट क्वालिटी, तो किसकी क्वालिटी सबसे सही होती है, LPSVL की, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ MVL, MVL की फुल फॉर्म, मरकरी वेपर लैम्प, तो ये क्या है हमारा, ये फुल फॉर्म के दे रखी है, ऐसे हमें याद होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको चार ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, आप से पूछ रखा होगा MVL की फुल फॉर्म इसमें से कौन सी है, तो आपको याद होगी मरकरी वेपर लैम्प, तो आप इजी से लगा देंगे, ठीक ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ LED, LED की फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 22, GLS स्टैंड फॉर ग्रैंड लाइटिंग सर्विस, प्रज्वलकों का उपयोग शुरू करने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, SVL, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सोर्स हैज लेस्ट लाइक, तो इसका कौन सा ठीक रहेगा, ऑब्जेक्टिव है डी, इनकैंडेसेंट,
और आर डिवाइस्ड एट डिस्ट्रीब्यूट एंड फिल्टर्स द लाइट इमिटेड फ्रॉम आर थर्मल फ्लेम। तो इसमें क्या है, इसका तो कौन सा ऑब्जेक्टिव ठीक रहेगा, इसका सी, ठीक है। तो और लाइफ ऑफ एलईडी लैंप, लाइफ एलईडी लैंप की कितनी जीवन काल होता है, तो कितना होता है 40,000 से, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, बी वाला, ओके ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लेंगे ऑब्जेक्टिव ये, ठीक है, ओके, थैंक यू।